अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट टू चैप्टर 7 चूँकि कंटिन्यू था और हम लोग उसमें पढ़ रहे थे नोमनक्लेचर, तो आज नोमनक्लेचर में है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसी तरह से कि हम नोमनक्लेचर में दो सिस्टम से नेमिंग किया करते हैं, एक है कॉमन नेम और दूसरा आयूपैक नेम। अगर हम जनरल फार्मूला लिखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सल ग्रुप को जब अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच कर देते हैं तो ये सिंपल हमारे पास जनरल फार्मूला बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कॉमन नेम्स हैं, इनके कॉमन नेम्स वो लिए जाते थे कि जहाँ से कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइव होते थे या जहाँ से इनको आइसोलेट किया जाता था, यानी कि जिस सब्सटेंस के अंदर ये मौजूद थे उन सब्सटेंस का लातीनी जुबान के अंदर जो नाम बनता था उन नामों से कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम जो थे उनसे उनको पुकारा जाता था। तो हम देखेंगे कि पहले 5 से 6 जो एसिड हैं वो जहां से डिराइव किए गए, मतलब जहां से आइसोलेट किए गए, उन्हीं की वजह से उन्हीं के ऊपर लैटिन वर्ल्ड के अंदर उनको नेम दिया गया। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल जो कार्बोक्सिलिक एसिड है कि जब हम कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन लगा दें तो ये सबसे सिंपल एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर CH3COOH, अब हम अल्काइल ग्रुप लगाना शुरू हो जाते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और उसके साथ इधर अल्काइल ग्रुप हो या हाइड्रोजन हो या फिनाइल ग्रुप हो या इराइल ग्रुप हो, ये फिनाइल और इराइल अरोमेटिक के अंदर हम कहते होते हैं तो उनको कार्बोक्सिलिक कहते हैं। इसलिए सबसे सिंपल एक कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन लगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप। फिर हाइड्रोजन के बाद अल्काइल और अल्काइल सिंपल क्या है, एक कार्बन वाला मिथाइल। इसी तरह से ये आ गया 2 कार्बन वाला अल्काइल, फिर 3 कार्बन वाला, इसी तरह से 4 कार्बन वाला और 5, जो कि ओवरऑल अगर हम देखें तो टोटल कार्बोक्सिलिक एसिड में 6 कार्बन। इन यहाँ तक जो एसिड हैं ये चूँकि हमारी बुक में दिए गए हैं, इससे आगे भी हैं जिनका कॉमन नेम जो है वो उसी पर है जहाँ से वो आइसोलेट किए जाते हैं, लेकिन चूँकि हम अभी नोमेनक्लेचर स्टार्ट में कर रहे हैं तो बुक के अकॉर्डिंग यहीं तक देखते हैं कि इनके कॉमन नेम्स क्या हैं। ये जो सबसे सिंपल एसिड है इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। अब उसने ये वर्ड जो है फॉरम से वर्ड लिया, फॉरम जिसका इंग्लिश में मीनिंग करे, ये लैटिन वर्ड है फॉर्मिका या फॉरम, जिसका अगर हम जो है इंग्लिश में हम कहते हैं तर्जुमा करें या ट्रांसलेट करें तो इस मीनिंग को कहते हैं रेड आंट। तो इस एसिड का नाम फॉर्मिक एसिड क्यों पड़ा, क्योंकि फॉर्मिका मींस क्या है, रेड आंट। तो वो कहता है ये एसिड जो है ये आंट के बाइट के अंदर आंट के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि जब भी आंट जो है वो किसी को कट करती है बाइट करती है तो वहाँ जो इरिटेशन फील होती है वो कहता है वो इस एसिड की वजह से हुआ करती है, तो इसलिए इसका नाम आ गया फॉर्मिक एसिड। ये जो दूसरा है इसका नाम है एसिटिक एसिड। अब ये जो वर्ड है एसिटिक, ये वर्ड था एसीटम, ठीक है, लैटिन वर्ड एसीटम, और इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसका मीनिंग क्या है, विनीगर, सिरका। ये एसिड जो है ये विनीगर में मौजूद होता है इसलिए इसका नाम आ गया एसिटिक एसिड। ये जो नंबर 3 पे है इसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड। अब प्रोपियोन, प्रोपियोन उसी तरह से ये जो मैं इस साइड पे वर्ड लिख रहा हूँ ये लैटिन है जो कि अंडरलाइन किए जा रहे हैं, प्रोपियोन इसका मीनिंग है फैटी एसिड। तो ये वो वाला एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज में ऐसा एसिड जिसकी अगर हम अपीयरेंस देखें तो ये एक कलरलेस लिक्विड ऑयली अपीयरेंस इसकी होती है, तो ऑयल के लिए फैटी का वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये वो एसिड है जिसको हम कहते हैं कि दीज आर प्रेजेंट इन द फैटी एसिड्स, ठीक है, यहाँ हम ऐसे कह देते हैं कि दीज आर द एसिड्स विच शो फैटी एसिड्स लाइक प्रॉपर्टीज। प्रो का वैसे मीनिंग होता है फर्स्ट, और प्रोपियोन का मीनिंग क्या है, फैटी एसिड, फर्स्ट मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड
विच शो फैटी एसिड लाइक प्रॉपर्टी, डेट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज प्रोपियोनिक एसिड। ये जो नंबर फोर पर है इसका नाम है ब्यूटायरिक एसिड। अब वो कहता है ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है ब्यूटायरम और इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है बटर। दीज एसिड आर प्रेजेंट इन बटर, तो इसका नाम क्या पड़ गया ब्यूटायरिक एसिड। ये जो पांच कार्बन वाला एसिड इसका नाम है वैलरिक एसिड। ठीक, अब ये एक प्लांट है वैलर, उसकी रूट्स के अंदर पाया जाता है तो ये उसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया वैलरिक एसिड। इसी तरह से ये सिक्स कार्बन वाले का नाम है कैप्रोइक एसिड। ठीक, अब ये जो वर्ड है कैप्रो, ठीक है, ये लैटिन वर्ड और इसका मीनिंग क्या है गोट, तो ये गोट के मिल्क के अंदर ये वाला एसिड मौजूद होता है इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं कैप्रोइक एसिड। तो ये थे कुछ हमारे कॉमन नेम छः कार्बन तक। इसी तरह से ये भी दो एसिड जिनका कॉमन नेम, इसका नाम है पाल्मिटिक एसिड। ये पाम ऑयल से हासिल होता है, पाम ऑयल में मौजूद C15H31 और C17 वाला, इसका नाम भी कॉमन स्टीरिक एसिड, ये बुक में दिए गए। ये वाला जो एसिड है स्टीयरमीन होता है टैलो, साबुन वगैरह सोप वगैरह बनाने के अंदर जो है इसको यूज़ करते हैं। तो ये थे ओवरऑल कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके कॉमन नेम हैं। ये सारे के सारे जितने भी एसिड हैं ये सैचुरेटेड एसिड हैं, हम आगे जाकर पढ़ेंगे इनकी डिस्क्रिप्शन भी, बट आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एसिड। तो ये था हमारे पास कॉमन नेम। अच्छा, इसी के अंदर ये जो फोर कार्बन वाला ये जो हमने एसिड बनाया इसका एक आइसोमर, जैसे हम देखा करते हैं कि ब्यूटेन थी तो ब्यूटेन का भी आइसोमर था, इसी तरह से इसको आइसोमेरिक फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि हम एक कार्बन को एज अ ब्रांच यूज़ कर लें। तो ये था ब्यूटायरिक चार वाला। और हमें पता है कि अगर चेन में, चूँकि अब ये फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप की बाकी चेन देखें तो उसमें सेकेंड लास्ट कार्बन पर ब्रांच मौजूद, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं आइसो, तो इसका नाम बनेगा आइसो ब्यूटायरिक एसिड। अच्छा, इन एसिड के लिए कॉमन नेम में एक और रूल भी है, वो ये कि कार्बोक्सिलिक, हम इसका यही वाला रूल एल्डिहाइड और कीटोन में भी देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को एज अ चेन सेलेक्ट करके तो उस चेन के बाहर जो ब्रांचेज हैं उनको, उनकी पोजीशन जो है वो जस्टिफाई की जाती है। आईयूपीएसी में हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं 1, 2, 3 के 2 पर मौजूद है, 3 पर या 4 पे। तो कॉमन नेम्स के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर इनकी पोजीशन अल्फा बीटा गैमा और डेल्टा इन वर्ड से क्या की जाती है डिनोट की जाती है, अल्फा बीटा गैमा या डेल्टा इससे। तो अगर हम देखें अल्फा कार्बन कौन सी होती है, वो वाली कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच हो उसको अल्फा कार्बन, जो अल्फा कार्बन के साथ कार्बन है वो बीटा, बीटा के साथ गैमा, गैमा के साथ डेल्टा। तो कॉमन नेम्स में इनके अंदर जैसे कि ये हम देखें ब्रांच लगी है तो इन ब्रांच की पोजीशन जो है वो अल्फा बीटा गैमा से भी डिनोट की जाती है। जैसा कि अगर हम ये एक और लिखता हूँ मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें मैं दो ब्रांचें लगा देता हूँ, तो अब देखें हम इस एसिड को 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाला एसिड हम इसको कैप्रोइक एसिड नहीं कह सकते क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है। दूसरा, हम इसको आइसो भी नहीं कह सकते क्योंकि दो ब्रांचेज हैं, नियो भी नहीं कह सकते। तो इसलिए इनके लिए कॉमन नेम्स के अंदर उन्होंने क्या किया कि ये जो साइड पर ब्रांचेज हैं इनकी पोजीशन को जस्टिफाई करने के लिए इनको अल्फा बीटा गैमा या डेल्टा से डोनेट कर दिया गया। तो अगर हम देखें ये हमारा फंक्शनल ग्रुप पूरे का पूरा, तो इसके साथ ये कार्बन अल्फा, तो इसका नाम क्या बनेगा अल्फा, उसके ऊपर ग्रुप मौजूद है मिथाइल, तो हम नाम लिखेंगे अल्फा मिथाइल। अब देखें वो ब्रांच का नाम, तो ये हमारी चेन बची। अब इस चेन में तीन कार्बन है तो तीन अगर स्ट्रेट में हो तो उसका नाम क्या होता है प्रोपियोनिक एसिड, तो इसका नाम बना अल्फा मिथाइल प्रोपियोनिक एसिड। तो ये दोनों के दोनों नाम आइसोब्यूटायरिक के कॉमन है। इसी तरह से अगर हम इसका कॉमन नेम बनाएं तो हमारी ये चेन होगी, ये अल्फा कार्बन, अल्फा के साथ ये बीटा, तो हम लिखेंगे अल्फा कॉमा बीटा, क्योंकि हम रूल पढ़ चुके हैं आईयूपीएसी में कि अगर ब्रांचेस के लिए सेम हो तो कॉमा लगाकर आप क्या कर लेते हैं सेपरेट करते हैं, लेकिन ये आईयूपीएसी रूल नहीं है, ये कॉमन है क्योंकि हम 1, 2 नहीं कर रहे अल्फा बीटा कर रहे हैं। तो अल्फा बीटा डाईमिथाइल दो हैं और चार कार्बन अगर स्ट्रेट में आ जाएं
तो हम उसको कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड। तो ये देखिए इसका नाम बनेगा ब्यूटायरिक एसिड। ये था हमारे पास कॉमन रूल कि कॉमन नेम से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरह से नेमिंग करेंगे। अब आ गया आयुपैक। तो आयुपैक में पहला वही रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग, यहां लिखेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप, हमने उसको भी चेन में लेकर आना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली कार्बन को। तो नंबर वन, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन डेट कंटेन कार्बोक्सिलिक कार्बन या कंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। नंबर टू, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम डेट एंड बाय विच सी डबल ओ एच ग्रुप गेट्स मिनिमम नंबर, ठीक, गेट्स लोअर नंबर, या नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एंड, वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नंबर थ्री के पेरेंट चेन क्या होगी, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम देखें फार्मूले में तो हम ये कहेंगे कि अल्केन का हाइड्रोजन हटाकर उसमें हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड किया, तो ये कह सकते हैं कि दीज आर द डेरिवेटिव कार्बोक्सल डेरिवेटिव ऑफ द अल्केन, हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं। तो पेरेंट नेम क्या होगा कि अल्केन का ई हटाकर यहाँ सफिक्स ऐड करेंगे ओ आई सी, ओ आई सी हमेशा एसिड के लिए यूज़ करते हैं, तो ये बन जाएगा अल्का नोइक एसिड। उसी तरह से अल्कामीन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक, अगर कार्बन एक है तो मेथानोइक, दो हैं तो इथानोइक, प्रोपानोइक, ब्यूटानोइक, पेंटानोइक, ये इस तरह से चलता जाएगा। और पांच, चौथा रूल कि जो चीज़ें सब्सिट्यूएंट होंगी उनका नाम पहले, सब्सिट्यूएंट का जो नाम है इट इज़ रिटन एट फर्स्ट, उनका नाम पहले आएगा और पेरेंट नेम जो है वो बाद में आएगा। हम अभी कुछ इसके फार्मूले देखेंगे, उन फार्मूले में ये होगा कि ए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड आए, अगर एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे तो उनके लिए उनके नाम से पहले प्रीफिक्स डाई, ट्राई और टेट्रा ये हम यूज़ कर लेंगे, जैसा कि डाई ओइक एसिड, ट्राई ओइक एसिड, टेट्रा ओइक एसिड, इस तरह से हम लोग उनके नाम से पहले क्या करेंगे, सफिक्स जो है वो ऐड कर लेंगे। ये थे हमारे रूल, आयुपैक रूल फॉर नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जैसा कि अगर मैं ये फार्मूला लिख रहा हूँ CH3CH2CH2COOH, कॉमन नेम है इसका ब्यूटायरिक एसिड, इन रूल को करते हुए हम अगर इसका आयुपैक नेम लिखें तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, अब देखें नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये हमारी नंबरिंग आ जाएगी, क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्ट नाम लिखेंगे। तो क्या नाम आएगा इसका, चार वाला होता है ब्यूटा, ठीक है, अल्कामीन ब्यूटा, और एंड पर आ जाएगा ओ आई सी, तो ये बनेगा ब्यूटानोइक एसिड, ये हमारे पास इसका आयुपैक नेम आ जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। इसी तरह से अगर आप इन्हीं की आयुपैक नेम लिख लें, एक कार्बन वाला, ये मेथानोइक एसिड, एथानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, अच्छा इसमें ये चेंज आएगा कि ये है प्रोपानोइक, इसमें पी ए पहले आएगा क्योंकि प्रोपेन का हमने ओ आई सी लगाना है, और इसमें पी आई ओ आएगा प्रोपियन, क्योंकि वो वर्ड है फैटी एसिड के हवाले से, वो लैटिन वर्ड है, ये लैटिन नहीं है, ये अल्केन का ई हटाकर ओ आई सी लगा रहे हैं। तो आयुपैक में प्रोपानोइक है, कॉमन में प्रोपियोनिक एसिड है। चार वाला यहाँ आ जाएगा ब्यूटानोइक, पेंटानोइक, हेक्सानोइक एसिड, ये हमारे पास इनके क्या बन जाएंगे, आयुपैक के अंदर नेम बनेंगे। अच्छा, चूंकि हमने देखा हुआ है कि हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी लिखा करते हैं, क्योंकि वो चेन के अंदर एक से ज़्यादा जगह पर हो सकता है, यहाँ पर जो हमारे सिलेबस के अंदर एसिड दिए गए, इनके अंदर हमने दो तीन तरह के एसिड पढ़ने हैं। एक एसिड ऐसे होंगे जिनको नाम देंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, दो वाले भी पढ़ेंगे डाई, और तीन वाले भी पढ़ेंगे ट्राई, ठीक है, एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हैं वो मॉलिक्यूल में मौजूद हैं। लेकिन ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप चूँकि अगर हम देखें चेन के हमेशा टर्मिनल पोजीशन पर होते हैं, टर्मिनल पोजीशन कौन सी होती है, एट द एंड,
जब भी हमेशा एंड पर ये मौजूद होगा, इसका मतलब है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होनी है, तो नंबरिंग इसको हमेशा कौन सी मिलेगी, वन। तो इसलिए नंबर वन मिलने की वजह से अगर हम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो हम उनकी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम ब्यूटेन से पहले वन नहीं लगा रहे, क्योंकि हमें पता है कि ये अंडरस्टूड है हमेशा कहाँ पर मौजूद होना है, एट द एंड पर। हम डाई में देख लें तो डाई में भी हमारे सिलेबस के अंदर वो एसिड है जो कि दोनों तरफ एट द एंड मौजूद है। तो इसलिए किताब के अंदर अगर हम देखें कुछ एसिड के हवाले से, तो उन्होंने उधर भी नंबरिंग यूज़ नहीं की। अगर कहीं पर की हो तो दो के अंदर हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन बहुत सारे फार्मूलों के अंदर उन्होंने नहीं की, क्योंकि वो दोनों के दोनों कहाँ पर मौजूद हैं, एट द एंड मौजूद हैं। तो हमारे सिलेबस के हवाले से चूँकि ऐसे नहीं हैं कि जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड तीन आ जाएँ या उससे ज़्यादा हों, तो हम उनके जो नंबर है उसको यहाँ पर क्या करें, जस्टिफाई करें। इसलिए हमें जितने भी एसिड मिलेंगे उनके साथ उसने कुछ किताबों के अंदर उनकी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं किया, क्योंकि दोनों के दोनों कहाँ पर मौजूद होंगे, अगर एक है तो वो भी एंड पर है, अगर दो हैं तो वो भी कहाँ पर हैं, एंड पर है। अब हम कुछ एग्जाम्पल जो है वो करते हैं डाई वाली भी, और उसमें कुछ जो इससे हटकर मोनो वाली हैं उनकी नेमिंग करते हैं। तो आयुपैक में ये हमारा फर्स्ट मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस चेन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो नंबरिंग यहाँ से 1, 2, 3। तो देखें हाइड्रोक्सल एज अ ब्रांच, ये हम उसमें भी कर चुके हैं अल्कोहल में, तो इसका नाम आएगा 2-hydroxy। तीन कार्बन वाला एसिड क्या बनेगा, प्रोपानोइक एसिड, ये इसका आयुपैक नेम। इसका कॉमन नेम भी है लैक्टिक एसिड, देखें ये भी कॉमन नेम आ गया, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड जो है इसका कॉमन नेम बना। इसी तरह से ये वाला, तो ये जो है लैक्टिक एसिड, ये इसी तरह से दही के अंदर मौजूद होता है, या बायो के अंदर आपने देखा हुआ एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसके नतीजे में भी बनता है। अच्छा, ये एसिड देखें तो आयुपैक में सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन जो कि कार्बन वाली है, ये क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, तो उसी तरह से 1, 2, तो 2 पर लगा क्लोरो, ये आएगा 2-chloro। अब 2 वाला एसिड बनेगा इथानोइक एसिड, ठीक, और इसका कॉमन नेम लिखें, ये कार्बन ये अल्फा कार्बन है, ये आ जाएगा अल्फा क्लोरो, और कॉमन में हम 2 वाले को क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड। तो देखें अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड, या हम इसका नाम लिख देंगे आयुपैक के अंदर 2-chloro इथानोइक एसिड। अब आ गया डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डाई के अंदर कुछ एसिड के कॉमन नेम भी, और जो हम आयुपैक का रूल पढ़ रहे हैं उनके नाम उसके हवाले से नेमिंग करनी है। देखें ये 2 कार्बन है, दोनों को सिलेक्ट कर लिया, अब 2 कार्बन वाला एसिड क्या कहलाएगा, इथेन से, तो हम 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं इथेन, ई नहीं लगाना, चूँकि 2 हैं तो 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाईओइक एसिड, इस एसिड का नाम बनेगा इथेन डाईओइक एसिड, चूँकि 2 के लिए हम यूज़ कर लेंगे वर्ड डाई वाला। अच्छा देखें दोनों अगर चेन का एंड देखें तो ये इधर भी एंड है, इधर भी एंड है, हमें पता है दोनों के दोनों एसिड चूँकि चेन की एंड पर आएंगे, इसलिए हम इनकी पोजीशन को जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहे। तो आप डाई से पहले जो है वो 1-2 ना भी लगाएं, इन जो हमारे पास यहाँ पर एसिड जितने भी हैं हमारे सिलेबस में उनमें एट टर्मिनल पर ये मौजूद होंगे चेन के दोनों एंड पर, इसलिए पोजीशन को जस्टिफाई नहीं किया गया। अच्छा इसका कॉमन नेम भी है, और इसका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड। इसी तरह से 3 कार्बन, तो चेन हमारी ये बन गई, 3 के लिए वर्ड यूज़ होगा प्रोपेन, तो प्रोपेन डाईओइक एसिड, ठीक, और इस वाले का कॉमन नेम है मेलोनिक एसिड। ये कॉमन नेम जैसे जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है उनके अंदर यूज़ हुए, तो इसलिए आप लोगों ने कॉमन नेम भी साथ साथ याद करने, मेलोनिक एसिड। 4 कार्बन वाले का क्या बनेगा, ब्यूटेन डाईओइक एसिड, उनके दो दो हैं, और इसका कॉमन नेम है सक्सिनिक एसिड, ठीक। 5 कार्बन वाले का नाम बनेगा पेंटेन डाईओइक एसिड, और इस वाले का कॉमन नेम भी है, और इसका नेम है ग्लूटारिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है ग्लूटारिक एसिड। तो आप लोगों ने कॉमन नेम से आएंगे तो आपने इनके ये फार्मूले याद रखने हैं, 2 वाला ऑक्सैलिक है, 3 वाला मेलोनिक है, 4 वाला सक्सिनिक है, 5 वाला जो है वो ग्लूटारिक है।
नाम से आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर बनाने होंगे। ये क्योंकि रट्टे से याद किए जाते हैं कि आप ग्लुटारिक एसिड को कहें कि ये पेंटेन वाला है, तब आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन कॉमन नेम से हम स्ट्रक्चर बनाने का चूंकि एज अ कोई रूल नहीं पड़ा हुआ, कोई लॉजिक नहीं पड़ी हुई, तो कॉमन से आपको ऐसे याद रखना है, या आप उसका आयु पैक साथ रिलेट करके तो स्ट्रक्चर जो है वो उसका ड्रॉ कर सकते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, देखें ये हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है, तो 1 2 3 4, तो 2 3 दो उस पर ब्रांचेज हैं डाईहाइड्रॉक्सी, और 4 वाली चेन है तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अच्छा, बुक के अंदर उसने 1 4 भी यूज किया डाइओइक से पहले, मैंने कहा अगर हम इनके हवाले से चलें तो हम उसी को लेकर, चूंकि पता है कि एंड पर मौजूद हैं तो ना भी लिखें तो पता चल जाएगा कि वो एट द एंड ही मौजूद होंगे इनके अंदर, तो 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। इसी तरह से अगर हम इसका लिखें, देखें ये हमारी चेन है 1 2 3 4, अब देखिए यहाँ 2 और 3 पर डबल बॉन्ड आ चुका, तो 4 वाला ब्यूटेन नहीं क्योंकि ये अल्कीन सीरीज आ गई, तो अल्कीन के लिए हमें पता है डबल बॉन्ड की पोजीशन लाते हैं, तो 2 के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो 2 ब्यूटिन और डाइओइक एसिड, यहाँ इन आ जाएगा। इसका भी कॉमन नेम है और इसका कॉमन नेम है मैलिक एसिड, MALEIC मैलिक एसिड। इसी का आइसोमर जो कि हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक आइसोमर, उनको हम सिस ट्रांस आइसोमर कहते हैं, ये सिस 2-ब्यूटीन है। सिस मीन कि अगर हम देखें ये हमारा डबल बॉन्ड है, हम ये पढ़ेंगे आगे जाकर नोमेनक्लेचर में 7वें चैप्टर के एंड पर, कि ये फर्ज करें जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड हो कार्बन टू कार्बन, उसके साथ इधर इधर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, जैसा कि ये कार्बोक्सिलिक है, अगर ये दोनों ऐसी ऑपोजिट एंड पर मौजूद हैं, ठीक है, तो उस ऑपोजिट एंड वाले मॉलिक्यूल को कहते हैं ट्रांस, और अगर ये दोनों इधर मौजूद हों, ये भी इधर है ये भी इधर है, तो सिज है। देखेंगे दोनों सेम साइड पर है, इसके अक्रॉस देखें तो ये सिज है। ये भी वही है कि ये हमारी चेन है, ये देखें 1 2 3 4, इसका भी यही नेम है 2-ब्यूटीन डाइओइक एसिड, लेकिन इधर कार्बोक्सिल इधर है, इधर उसके ऑपोजिट है, तो ये ट्रांस 2-ब्यूटीन है, और इसका कॉमन नेम है फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 8वें चैप्टर में जो है वो यूज़ होंगे, जब प्रेपरेशन हम पढ़ रहे होंगे अल्काइन की। इसी तरह से कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, उनके भी नाम हमने इन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रूल के ऊपर जो है वो करने हैं, तो उसी तरह से ये हमारी चेन 1 2, तो 2 के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा है अमाइनो, तो 2-अमाइनो, 2 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं इथानोइक एसिड। अब देखे मैंने डबल डाई नहीं लगाया क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एक मौजूद है, और इस अमाइनो एसिड का कॉमन नेम है ग्लाइसिन। ये अमाइनो एसिड आपको उसी 13 चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में दरमियान में जाकर मिलेंगे, लेकिन वहाँ उनके आयु पैक नेम नहीं है, बोर्ड के अंदर इनके आयु पैक नेम आ जाते हैं, इनके कॉमन नेम तो हमें याद करने होते हैं लेकिन आयु पैक इनके पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इसी के अंदर ही हम इनको भी पढ़ रहे हैं। अब इसका नाम क्या बनेगा, ये चेन है तो 1 2 3, ये आ जाएगा 2-अमाइनो, 3 वाले को क्या कहते हैं प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर चलें तो 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 वाला आ गया, तो अब किसको पहले लेकर आएंगे, 2 ब्रांचेज हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अमाइनो का ए फर्स्ट है, मिथाइल का एम बाद में है, ये आ जाएगा 2-अमाइनो, 3-मिथाइल, 4 वाले का नाम होता है ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। ये सारे के सारे अमाइनो एसिड, इसका भी कॉमन नेम है और इसका कॉमन नेम है वैलीन, इसका कॉमन नेम है एलानीन, तो ये अमाइनो एसिड की नोमेनक्लेचर भी कार्बोक्सिलिक के अंदर ही हम लोगों ने जो है वो डिफाइन करनी है। तो ये था ओवरऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने कॉमन नेम जो है वो ज़रूरी तौर पर याद रखने हैं और उनको रिलेट करके उनके स्ट्रक्चर ड्रा करने हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है वो यहीं तक था। अच्छा, ये एक हमारे पास आ गया ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें अगर हम नाम नेमिंग करने लगे तो देखें ये चेन है, इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप चेन में नहीं आएगा, तो इसके लिए ये रूल है कि जितने भी हमने पढ़े कार्बोक्सिलिक वो सारे चेन में आने चाहिए, अगर कोई एक चेन में नहीं आ रहा
हम क्या करेंगे, अल कार्बन वाली चेन सेलेक्ट कर लेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बाहर रहने देंगे। तो अब देखें कार्बन वाली चेन हमारी कहलाएगी उसी तरह से अल्केन, तो इसकी नंबरिंग 1, 2, 3, तो 2 पर क्या लगी है ब्रांच, ये आ जाएगा 2-hydroxy, ठीक है। और चेन का नाम क्या है, प्रोपेन। जब हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को चेन में सिलेक्ट नहीं किया तो अल्केन का पूरा नेम लिखेंगे, अब उसका ई नहीं हटाएंगे, तो 2-hydroxy प्रोपेन। अब इनको एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, ठीक है। 1, 2, 3 कहाँ पर हैं, पहली कार्बन पर है, दूसरी पर है और तीसरी पर, तो 1, 2, 3 तीन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये उन रूल से हटकर है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड चेन में नहीं आ रहे हों तो कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा नाम लिखा करते हैं और उसको सेपरेट कर लेते हैं पेरेंट नेम से, फिर उसका ई हटाकर OIC नहीं लगाते। यही रूल इधर एरोमेटिक में भी दिया गया। एरोमेटिक के अंदर हम चेन सेलेक्ट करते हैं बेंजीन की, तो देखें अब अगर हम ये चेन सेलेक्ट कर रहे हैं फ़र्ज़ करें, तो ये उससे चले गए हैं बाहर, तो इनको कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देंगे। कैसे देंगे कि 1 और 2 पर मौजूद है, तो लिखेंगे बेंजीन, उस पर 1, 2 पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये आ जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखें इसका नाम बनेगा बेंजीन 1, 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1, 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1, 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इनके कॉमन नेम भी हैं, इसका कॉमन नेम है पथालिक एसिड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आए हुए हैं। और इसका नाम है आइसोपथैलिक एसिड, और इसका नाम है टेरी पथालिक एसिड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी तौर पर जो है वो आप लोगों ने याद करने हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो यहीं तक एंड हुआ। वीडियो को देखकर आप लोग लाइक करें, कमेंट करें वीडियो के बारे में। अल्लाह हाफिज़।